हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अगली कड़ी में बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एब्रुटेनम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एब्रुटेनम एक तरह की लता के पत्तों का टिंचर होता है। इसका उपयोग कंधे, हाथ, कलाई और एड़ी में दर्द, गांठे कड़ी, जकड़ी हुई वात के कारण दर्द जो कि फार्मिका रूफा में भी होता है, शरीर कांपना, निराशा, काम काज से अनिच्छा, नींद न आना, पर्याय क्रम से वात और बवासीर, आमाशय यानी पेचिस, बहुत कमजोरी के साथ हेक्टिक ज्वर जिसको छह ज्वर भी कहते हैं, बच्चों का एक तरह का हेक्टिक ज्वर जो कि इन्फ्लुएंजा के बाद होता है, मेटास्टेसिस यानी किसी रोग का एक अंग से दूसरे अंग में चले जाना, बच्चों का मेरेस्मस, सुखंडी जिसको कहते हैं, इत्यादि में इसका प्रयोग होता है और यही इसके चरित्रगत लक्षण हैं। डॉक्टर केन का कथन है, बच्चों के नाक से खून गिरना, नाभि से रस रक्त निकलना, अंडकोश का फूलना, उसके साथ ही देह सूखती चली जाए तो यह विशेष लाभदायक है। बच्चों के मेरेस्मस यानी सुखंडी के लिए एब्रुटेनम के अलावा नेट्रेम्यूर, आयोडम, सारसा पेरिल्ला, साइलिसिया, कैल्केरिया फॉस इत्यादि भी फायदेमंद दवाएं हैं। इनके लक्षणों का प्रभेद नीचे दिया हुआ है। सारसा पेरिल्ला, सारसा पेरिल्ला वृद्ध मनुष्यों की भांति शरीर के चमड़े की सलवट पड़ जाए, छोटे बच्चों में इसमें शरीर की अपेक्षा गर्दन अधिक पतली पड़ जाया करती है। नेट्रेम्यूर, हमेशा बच्चा बहुत खाता हो फिर भी उसका शरीर सूखता जाए, इसमें गर्दन का पीछे वाला भाग अधिक पतला पड़ता है। आयोडम, हमेशा ही भूख खाने के लिए रोया ही करता है, खाकर उठने के बाद फिर से खाने को मांगना, इसमें समूचा शरीर सूख जाता है। एब्रुटेनम, समूची देह तो सूख ही जाती है पर इसमें पैर की तरफ पतला पड़ जाने का भाव अधिक होता है। यह लक्षण ट्यूबरकुलम में भी है। वास्टिंग डिजीज फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी के कारण क्षय करने वाले रोग, उसमें एब्रुटेनम बहुत अच्छा काम करती है। वात के बारे में बात करें, कंधा, कलाई और पैर की एड़ी में, एंकल ज्वाइंट में बहुत तकलीफ शुदा वात होने पर या प्रदाह वाले वात में यानी सूजन जिसमें हो जाए, रोग वाली जगह फूलने के पहले किसी स्थान में दर्द होने पर और प्यूरिसी रोग में एकोनाइट तथा ब्रैनिया के व्यवहार के बाद, कलेजा दबा कर रखने की तरह दर्द हो और साथ ही सांस खींचने में भी कष्ट हो तो एब्रुटेनम से लाभ होता है। मेटास्टेटिक रूमेटिज्म अगर हो यानी रोग वाली जगह आक्रांत होने के साथ साथ वात कभी कभी चेस्ट में यानी वक्ष में भी चला जाता है, कमर में दर्द, स्पर्मेटिक कॉर्ड के भीतर दर्द हो जाता है, गांठ कड़ी और जकड़ी रहा करती है, रोगी लंगड़ाकर चलता है, इन कंडीशंस में एब्रुटेनम इसकी भी एक बढ़िया दवा है। पाकस्थली की बीमारी यानी स्टमक, भूख मजे की लगने पर भी शरीर दिनों दिन सूखता जाना, जो खाता हो वह अजीर्ण अवस्था में मल के साथ निकल जाता हो यानी बिना पचे मल के साथ निकल जाता है, पाकस्थली में काटने फाड़ने की तरह असह्य दर्द होता हो, कभी कभी सड़ा बदबूदार वमन भी होता हो, इसके अलावा पेट फूलना, पाकस्थली के भीतर कड़े ढेले की तरह पदार्थ का रहना, पर्याय क्रम से कब्जियत और पतले दस्त यानी एक बार कॉन्स्टिपेशन एक बार लूज मोशन आदि लक्षणों में, और वृद्धों की मंदाग्नि में यानी जब पेट की अग्नि जो कि खाने को पचाती है वो मंद पड़ जाए, धीमी पड़ जाए, उसके साथ में हृदय में कोई गड़बड़ी हो तो वहाँ पे एब्रुटेनम का प्रयोग होता है। बवासीर यानी पाइल्स,
बवासीर की बीमारी के साथ त्रिकास्थि में दर्द यानी सैक्रम में दर्द, पीछे लगातार पाखाने की हाजत बनी रहना और वेग तेजी के साथ हो, रोगी बार बार पाखाना जाता हो पर पाखाना बहुत थोड़ा होता हो, सिर्फ खून का स्राव होता हो, साइमेक्स में भी ये सिम्टम पाया जाता है, वहाँ पे एब्रुटेनम अच्छा काम करती है। कंपेयर इसको करें तो वक्षस्थल की बीमारी में एकोनाइट, ब्रानिया, कॉल्चिकम, वात में यानी रूमेटिज्म में एसिड बेंजोइक, ब्रानिया, ड्यूरिसी में एकोनाइट और ब्रानिया के बाद सुखंडी में आयोडम और नेट्रम्यूर, इसकी वृद्धि ठंडी हवा में होती है, आराम मिलता है हिलने डुलने पर, और इसको लो पोटेंसी से लेकर के यानी 630-200 तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एब्रुटेनम के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज जो मैंने आपको जानकारी सुनाई है, किताब का नाम आप लोगों को पता ही है, कंपेरेटिव मैथमेटिका एंड थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर एनसी घोष की पुस्तक से, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके फ़ायदेमंद भी होगी। इसके अलावा आपके दोस्त मित्र जितने भी लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता हो उनको ज़रूर इसको शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं इसके आगे की अगली मेडिसिन के बारे में, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।